जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। सो सभी साथी आ जाएं और एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, मित्रों को शेयर भी कर दें। दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासेस में क्लास स्टार्ट हो चुकी है, रोज रात्रि 9 बजे क्लास स्टार्ट होती है। और जितने भी हमारे साथी हैं जिन्होंने अभी तक सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया है, वो सभी साथी ऐप को डाउनलोड कर लें। प्ले स्टोर में जाएं, सर्च करें सेल्फ स्टडी क्लासेस, ठीक है, ये ऐप डाउनलोड कर लो। जिन भी साथियों को हिंदी साहित्य के कोर्स लेना है दोस्तों, ये मास्टर कैडर का कोर्स लेना है आप ले सकते हो। टीजीटी पीजीटी वाले जितने भी हमारे साथी हैं, जितने भी दोस्तों डीएसएसबी वाले या केबीएस वाले साथी हैं, है ना, वो सभी साथी 1500 में 12 महीने वाले इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। और जितने भी साथियों को नोट्स अपने घर पर मंगवाना है, ट्रिकी नोट्स, आप अपने घर पर ही नोट्स मंगवा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और बहुत ही बढ़िया नोट्स बनाए गए हैं, ट्रिकी नोट्स बनाए गए हैं। यहाँ पर बात करते हैं कि अगर आप हिंदी साहित्य के दोस्तों, ये जो नोट्स हैं ये दो पार्ट में नोट्स बनाए गए हैं, और ये दोनों पार्ट के नोट्स अगर आपको चाहिए है तो आज ही आपको संपर्क करना है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। सभी साथी आ चुके हैं तो एक बार लाइक जरूर करेंगे, लाइक कर दो फटाफट से, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, ये किस कवि की पंक्ति है, किस कवि की पंक्ति है ये बताना है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, एक नंबर का क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। जल्दी से सभी लोग बताएंगे, फटाफट से आपको चयन करना है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, बताओ दिवस का अवसान समीप था, इसके रचनाकार कौन है, ये जो पंक्ति है ये पंक्ति किसकी है, ये पंक्ति को आपको चयन करना है। और सभी लोगों ने बता दिया कि सर ये जो पंक्ति है ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है, ये नंबर आपका सही हो जाएगा। इन्हें कवि सम्राट कहा जाता है दोस्तों, हरिऔध को, ठीक है। खड़ी बोली के प्रथम महाकवि हैं, इन्होंने खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य भी लिखा था, कौन सा, प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। हरिऔध जी की प्रथम रचना भी मानी जाती है, कौन सी, कृष्ण शतक, ठीक है। तो ये हरिऔध जी हैं जिनका जन्म हुआ था, कब हुआ था, 1865 में, ये भी आपको याद रख लेना है, तो आपका जो ये नंबर है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, इसके रचनाकार कौन है, इसके रचनाकार कौन है, प्रश्न क्रमांक 2 नंबर आपका है, 2 नंबर में आपको चयन करना है, अच्छा क्वेश्चन है। सभी लोग बताएंगे, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक इसके रचनाकार कौन माने जाते हैं, जल्दी से बताएं और एक बार जल्दी से लाइक करके शेयर भी कर दो अपने मित्रों तक। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, ये सीरीज चलती है आपको, ठीक है। और जितने साथी हैं सभी लोग आ जाएं, वीडियो को एक बार जल्दी से लाइक भी कर दें, लाइक कर दें। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक इसके रचनाकार कौन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, आपका राइट आंसर चला जाता है ए नंबर में, यानी कि सुरेंद्र वर्मा, सुरेंद्र वर्मा, ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक रचनाकार कौन है, सुरेंद्र वर्मा, ये नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो, पद्यात्मक भावभूमि पर श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास, श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास की सर्जना किसने की, यानी कि सीधा सीधा अगर बोले कि श्यामा स्वप्न के रचनाकार कौन है, ये उपन्यास किसका है, रविशंकर जी, बताइए। प्रश्न क्रमांक 3 नंबर है, पद्यात्मक भावभूमि पर श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास के रचनाकार कौन है, श्रीनिवास दास हैं, श्रीनिवास दास हैं, या फिर दोस्तों आगे बताना है, या फिर जगमोहन है, या फिर राजा लक्ष्मण से, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद हैं, 3 नंबर का क्वेश्चन है। और उत्तर है कि श्याम ने स्वप्न देखा, काय का स्वप्न देखा, बोले जगमोहन का स्वप्न देखा, ठीक है। तो बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने भी बताया उनका आंसर बिल्कुल सही है। एक प्लेट सैलाब आज ही पढ़ा था, इस कहानी की लेखिका कौन है, देखते हैं कौन कौन को पता है, कौन कौन सही बताता, कौन कौन ट्रिक का उपयोग है यहां पर कर लेता है। जिन भी साथियों को पंजाब मास्टर कैडर के दोस्तों मॉडल पेपर परचेस करना है, वो मॉडल पेपर परचेस कर सकते हैं। एक प्लेट सैलाब कहानी की लेखिका कौन है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, उषा प्रियंवदा, मन्नू भंडारी, कृष्णा सोपति, या फिर शिवानी। एक प्लेट सैलाब कहानी की लेखिका कौन मानी जाती हैं, 4 नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर के क्वेश्चन में कई बार मैंने बताया, शायद आपको वो ट्रिक याद आ गई होगी, वो ट्रिक किस किस को याद आई है जल्दी से बताएं, वो ट्रिक किस किस को याद आई है जो मैंने आपको बताई थी,
और आपको बताया कि सर भंडारे में एक प्लेट सलाद, एक प्लेट सलाद, सलाद खाओगे ना आप, एक प्लेट सलाद, बहुत बढ़िया, वेरी गुड संदीप सिंह जी। अपने अपने पिंजरे किसकी आत्मकथा है, पांच नंबर का क्वेश्चन है। राशिद कुरैजी जी, छोटे लाल जी, सभी लोग बताएंगे अपने अपने पिंजरे। और जिन भी साथियों को दोस्तों नोट्स मंगवाना है, हिंदी साहित्य के नोट्स, वो नोट्स मंगवा सकते, बहुत ही बढ़िया नोट्स बनाए गए हैं। अपने अपने पिंजरे एक किसकी आत्मकथा है, पांच नंबर का क्वेश्चन। आत्मकथा किसकी, ओम प्रकाश वाल्मीकि की, मोहनदास नैमी सराय, शरण कुमार लिम्बाले, शिवराज सिंह बेचैन। अपने अपने पिंजरे ये आत्मकथा किसकी मानी जाती है, पांच नंबर का क्वेश्चन है, ये किसकी है। और देखते हैं कहां जा रहा आपका राइट आंसर, अपने अपने पिंजरे आत्मकथा किसकी है, आपका उत्तर चला गया यहां पर वी नंबर, यानी कि मोहनदास नैमी सराय बी नंबर आपका राइट आंसर है, बी नंबर आपका सही है। ठीक है, अपने अपने पिंजरे किसकी आत्मकथा है, मोहनदास नैमी सराय की, मोहनदास नैमी सराय आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, सर्वांग निरूपक ग्रंथ रस रहस्य के रचनाकार कौन है, सर्वांग निरूपक ग्रंथ रस रहस्य के रचनाकार कौन है, आलम, रसलीन, कुलपति मिश्र या फिर सेनापति, कौन माने जाते हैं। छह नंबर का क्वेश्चन है, सर्वांग निरूपक ग्रंथ रस रहस्य के रचनाकार कौन है, रस रहस्य के रचनाकार बताना है, छह नंबर का क्वेश्चन आपको बताना है, जल्दी से बताइए और एक बार लाइक भी कर दीजिए। सर्वांग निरूपक ग्रंथ रस रहस्य के रचनाकार कौन माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं, छह का उत्तर बताना है और आपका उत्तर जा रहा कि सर कुलपति मिश्र, कौन माने जाते हैं, कुलपति मिश्र। सर्वांग निरूपक ग्रंथ रस का रहस्य किसको पता होता है, और सर रस का रहस्य कुलपति को, कुलपति को, सी नंबर आपका सही है। सिर पर जूता पैर में टोपी किसकी कविता है, सिर पर जूता और पैर में टोपी ये कविता किसकी है, उल्टा हो गया पूरा का पूरा, बताइए जनता जनार्दन, सभी लोग बताएं। श्वेता सैनी जी फटाक से चयन करिए, लाइक करिए, जिन भी साथियों को नोट्स मंगवाना है वो नोट्स मंगवा सकते हैं। सिर पर जूता पैर में टोपी किसकी कविता है, सात नंबर का क्वेश्चन, ये कविता आपको बताना है, ये कविता किसकी है बताइए, सात का अच्छा उत्तर है। और सात नंबर के उत्तर में जा रहा है कि सर लक्ष्मी क्या करवा देती है, लक्ष्मी वो चीज है जो सिर पर जूता और पैर पर टोपी ये उल्टा करवा देती है, लक्ष्मी ऐसी चीज है। ठीक है, तो यहां पर आपका उत्तर है लक्ष्मीकांत वर्मा, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, लक्ष्मीकांत वर्मा। गुलेरी जी की पहली कहानी कौन सी है, आठ नंबर का क्वेश्चन है, गुलेरी जी की पहली कहानी कौन सी है, उसने कहा था सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा या फिर इनमें से कोई नहीं। गुलेरी जी की पहली कहानी आपको बताना है, देखते हैं ये तीनों कहानियां गुलेरी जी की हैं, जल्दी से बताइए फटाक से। उसने कहा था सुखमय जीवन या फिर बुद्धू का कांटा, और सभी लोग बिल्कुल सही बता रहे हैं कि सर गुलेरी जी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जिन्होंने तीन कहानियां लिखी और बहुत ही प्रसिद्ध कहानियां लिखी। क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा कहानीकार है जो मात्र तीन कहानियां लिख करके दोस्तों बहुत ही प्रसिद्ध हो गया, तो वो कहानीकार गुलेरी जी ही हैं। ठीक है, जिसने सुखमय जीवन इनकी पहली कहानी मानी जाती है ना, तो आपका उत्तर यहां पर देखो बहुत सारे लोग ए बता रहे हैं, जबकि उत्तर इसका क्या है, बी नंबर। गुलेरी जी की प्रथम कहानी है कौन सी, सुखमय जीवन। ठीक है, रचनाकाल बताइए तीनों का किसको पता है फटाक से। उसने कहा था इनकी रचना दोस्तों फ्लैशबैक शैली में लिखी गई ये रचना मानी जाती है, उसने कहा था, ये भी याद रख लेना। ठीक है, उसके बाद किस आलोचक ने मैला आंचल को सतीनाथ भादुड़ी, सतीनाथ भादुड़ी, मैला आंचल को सतीनाथ भादुड़ी कृत विस्थापित होकर बिहार के पूर्णिया, बिहार के पूर्णिया जिले में आए हुए हिंदू शरणार्थियों की दारुण कथा, दारुण कथा, दारुण कथा दोस्तों चित्रित हुई है, तो बताना है आपको किस आलोचक ने मैला आंचल को सतीनाथ भादुड़ी की, बताना है मैनेजर पांडे ने, मधुकर गंगाधर ने, नंदलारी वाजपेयी ने या फिर डॉक्टर नगेंद्र ने, किस आलोचक ने, नौ नंबर का क्वेश्चन है, किस आलोचक ने मैला आंचल को सतीनाथ भादुड़ी, सतीनाथ भादुड़ी कृत विस्थापित होकर
विस्थापित होकर पूर्णिया, बिहार के पूर्णिया, पूर्णिया जिले में आए हुए हिंदू शरणार्थियों की दारुण कथा चित्रित हुई है, ये आपको बताना है। 9 नंबर का क्वेश्चन है, तब आपका उत्तर आया है कि सर मधुकर गंगाधर रश्मि पाठक जी, बी नंबर आपका मधुकर गंगर बिल्कुल सही है। गरीब और अमीर पुस्तकें, ये किसका रिपोर्टताज है? 10 नंबर का क्वेश्चन, गरीब और अमीर पुस्तकें, ये किसका रिपोर्टताज है? रिपोर्टताज बताइए माखनलाल चतुर्वेदी का, ममता कारिया, राम नारायण उपाध्याय या फिर प्रभाकर माचबे? गरीब और अमीर पुस्तकें ये किसका रिपोर्टताज है? ये रिपोर्टताज आपको बताना है। 10 नंबर के क्वेश्चन में ममता श्रीवास्तव जी, प्रीति तिवारी जी, लवली ठाकुर जी, रश्मि पाठक जी, सभी लोग बताएंगे, बबीता जी यदुवंशी, बताइए गरीब और अमीर पुस्तकें किसका रिपोर्टताज माना जाता है 10 नंबर के क्वेश्चन में? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और उत्तर है यहां पर गरीब और अमीर पुस्तकें। पुस्तकें बताना है। बताइए जल्दी से। और आपका उत्तर है गरीब और अमीर पुस्तकें, राम नारायण उपाध्याय, यानी कि सी नंबर। ये रिपोर्टताज है इनका, रिपोर्टताज। ये क्या है इनका? रिपोर्टताज। ये गरीब और अमीर पुस्तकें किसका रिपोर्टताज पूछा गया? तो राम नारायण उपाध्याय, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। इसके नामा ब्रही शुभान दंपत्ति विलास के रचनाकार कौन है? इसके नामा के रचनाकार कौन है ये आपको बताना है। वो गरीब इरादे अमीर इरादे है। हाँ प्रदीप जी, माखनलाल चतुर्वेदी की गरीब इरादे अमीर इरादे, यहाँ पर कंफ्यूज हो गए। गरीब इरादे और अमीर इरादे, अपन ने पढ़ा था कि गरीब के इरादे भी होते माखन खाने के और अमीर के भी इरादे होते माखन खाने के, है ना? वो माखनलाल की है, लेकिन यहाँ पर ये जो है ये राम नारायण उपाध्याय का रिपोर्टताज है। 11 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इसके नामा के रचनाकार कौन है? इसके नामा, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि सर इसके में नाम पड़ गया क्या? बोधा। तो इसके नामा बोधा, बोधा ये नंबर बिल्कुल सही है। इसके में नाम पड़ गया बोधा, ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचनाकार कौन है? जल्दी से चयन करिए और एक बार शेयर भी कर दीजिए अपने मित्रों तक, शेयर करना है सभी साथियों को। मिस्टर अभिमन्यु ये नाटक के रचनाकार कौन है, ये नाटक किसका है, सभी लोग बताएंगे और लाइक करके शेयर भी करेंगे। मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचनाकार कौन है, ये नाटक किसका है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, पूछा गया है आप लोगों से। मिस्टर अभिमन्यु लक्ष्मीनारायण लाल, लक्ष्मीनारायण मिश्र, सुरेंद्र वर्मा, रमेश बख्ची, यानी कि 12 नंबर का क्वेश्चन है और देखते हैं सभी लोग आंसर क्या बताते हैं। मिस्टर अभिमन्यु, इसके रचनाकार कौन है, सभी लोग बताइए। और बहुत सारे लोगों ने बताया कि सर लक्ष्मी नारायण लाल, ये नंबर आपका सही है। मिस्टर अभिमन्यु नाटक के जो रचनाकार हैं ये लक्ष्मी नारायण लाल हैं। वेरी गुड। अगला देखो, तुम चंदन हम पानी के लेखक कौन है? तुम चंदन हम पानी, ये निबंध, इसके लेखक कौन है? तन्मय जी बताइए, सभी लोग बताएंगे। और जिन भी साथियों ने एडमिशन नहीं लिया अभी तक, एडमिशन ले लें सेल्फ स्टडी क्लासेस में, अभी बैच स्टार्ट हुआ है नया नया, तो आप एडमिशन ले सकते हैं, शुरुआत से पढ़ सकते हैं दोस्तों। तुम चंदन हम पानी, इसके लेखक कौन है? विवेकी राय है, विद्यानिवास मिश्र है, शरद जोशी है, रमेश चंद्र साय है। सभी लोगों का आंसर आनी चाहिए फटाक से। 13 नंबर के क्वेश्चन में बढ़िया सा प्रश्न पूछा गया, और तुम चंदन हम पानी ऐसा कौन कहेगा? बोले सर जिसके अंदर विद्या होगी, तो विद्या निवास मिश्र, यानी कि आपका बी नंबर बिल्कुल सही है। आधी रात का सूरजमुखी, ये किसकी कहानी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आधी रात का सूरजमुखी, तो बताइए। ममता रानी जी, सभी लोग बताएंगे, पुष्पा देवी जी, रेखा जी, माया राम जी, बताइए आधी रात का सूरजमुखी, यानी कि 14 नंबर के क्वेश्चन में आपको चयन करना है, बताइए। बोले सर आधी रात को सूरजमुखी और कमल खिलेंगे, सूरजमुखी और कमल खिलेंगे, यानी कि उत्तर आपका कहाँ चला जाएगा बताओ? आधी रात को सूरजमुखी और कमल खिलेंगे, तो कमल से क्या बनेगा? राज कमल चौधरी, राज कमल चौधरी। आधी रात को सूरजमुखी और कमल खिलेंगे, तो कमल से राजकमल चौधरी। बी नंबर आपका करेक्ट और बिल्कुल सही आंसर है। तिलिजमी उपन्यास
रोहतास मठ के लेखक कौन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रोहतास मठ त्रिज्मी उपन्यास माने जाते हैं, और आपको पता है त्रिज्मी उपन्यास के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? त्रिज्मी अय्यारी उपन्यासों के प्रवर्तक देवकीनंदन खत्री माने जाते हैं, लेकिन यहां पर रोहतास मठ के लेखक पूछा है आपसे। देखते हैं कौन कौन बताता है, 15 नंबर का क्वेश्चन है। कौन कौन कंफ्यूज होके यहां पर अटक जाता है? सुनीता जी, पूनम जी बताएं, और प्रेम कोई जी, अनुराग जी, सभी लोग बताएंगे। पीएचडी का पेपर हो गया है मायाराम जी का, बहुत बढ़िया, कैसा गया भैया? ऋतु चौहान सी, रजनी जी, कुमकुम जी, सभी लोग बताएंगे। और तिलिजमी उपन्यास रोहतास मठ, रोहतास मठ के लेखक हैं दुर्गा प्रसाद खत्री, देवकीनंदन खत्री के पुत्र थे दुर्गा प्रसाद खत्री। एक दोस्तों इनका उपन्यास था भूतनाथ, भूतनाथ उपन्यास था किसका? दुर्गा प्रसाद खत्री का। ये अधूरा उपन्यास था और इसको पूर्ण किया था दुर्गा प्रसाद खत्री ने। इनका एक उपन्यास है तिलिजमी उपन्यास रोहतास मठ, जो कि कई बार पूछा गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सी नंबर तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अपने अपने पिंजरे किसकी आत्मकथा है। 16 नंबर का क्वेश्चन है, अपने अपने पिंजरे किसकी आत्मकथा है? सूरज भान की है, मोहन नैमिसराय की है, उदय प्रकाश की, या फिर ओम प्रकाश वाल्मीकि? अपने अपने पिंजरे ये आत्मकथा किसकी है? ये आत्मकथा आपको बताना है, अपने अपने पिंजरे आत्मकथा सूरज भान की है, नैमिसराय की है, उदय प्रकाश की, ओम प्रकाश वाल्मीकि है। 16 नंबर के क्वेश्चन में बताना है, और उत्तर जाता है यहाँ पर मोहन नैमिसराय, यानी कि बी नंबर आपका करेक्ट आंसर है, अपने अपने पिंजरे आत्मकथा मोहन नैमिसराय की है, ठीक है। हिमहास किसका गद्य काव्य है? हिमहास किसका गद्य काव्य है? वियोगी हरि का, नागार्जुन का, प्रकाश बतीपाल का, डॉक्टर राम कुमार वर्मा? हिमहास ये गद्य काव्य किसका है? हिमहास गद्य काव्य के लेखक कौन है? 17 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग जल्दी से लाइक करके शेयर भी कर दो अपने साथियों को, मित्रों को। हिमहास किसका गद्य काव्य है? ये 17 का क्वेश्चन पूछा गया है, और आपका उत्तर हो रहा है, बहुत बढ़िया माया राम जी, ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा आपका सही है। हिमहास राम कुमार वर्मा का गद्य काव्य है। डी नंबर आपका बिल्कुल सही है, जिन्होंने भी डी बताया है बिल्कुल राइट आंसर आ गया, वेरी गुड। अगला देखो, पूर्व राज्यपाल माता प्रसाद की आत्मकथा इनमें से कौन सी है? माता प्रसाद की, मेरा बचपन मेरे कंधों पर, मेरा सफर मेरी मंजिल, झोपड़ी के राजभवन, गांव से राजभवन तक, 18 नंबर का क्वेश्चन है, और देखते हैं, बताइए झोपड़ी से राजभवन, झोपड़ी के राजभवन, ये दोस्तों बताओ पूर्व राज्यपाल माता प्रसाद की आत्मकथा का नाम क्या है, उनकी आत्मकथा क्या है? संध्या गुप्ता जी, आरती वर्मा जी, सभी लोग बताएंगे एक साथ, लाइक करके शेयर भी करना है। जिनको भी हिंदी साहित्य के नोट्स मंगवाना है अपने घर पर, मंगवा सकते हैं दोस्तों, बढ़िया नोट्स हैं। थे पूर्व राज्यपाल माता प्रसाद की आत्मकथा इनमें से कौन सी है? इनमें से कौन सी है? मेरा बचपन मेरे कंधों पर, मेरा सफर मेरी मंजिल, झोपड़ी के राजभवन, गाँव से राजभवन तक, 18 नंबर का क्वेश्चन है, और 18 में देखते हैं उत्तर क्या होता है। उत्तर होता है आपका सी नंबर, यानी कि झोपड़ी कि राजभवन, सी नंबर आपका सही है, ये माता प्रसाद, माता प्रसाद यानी कि सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। पलंग पर मेहमान बैठे हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कारक है बताओ, पलंग पर मेहमान है ना, झोपड़ी से राजभवन तक, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो झोपड़ी से राजभवन याद रख लेना, के नहीं, पलंग पर मेहमान बैठे हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कौन सा कारक 19वां नंबर है? वो झोपड़ी से राजभवन से होना चाहिए, वहां पर से है ना, यहाँ पर से, झोपड़ी से राजभवन, ठीक है। तो यहाँ पर पलंग पर मेहमान बैठे हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कौन सा कारक है ये बताइए, करण संप्रदान अधिकरण या फिर संबंध कारक? और बहुत सारे साथी हैं जो बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल सिट फिट पार्ट आंसर बता रहे हैं कि पलंग पर मेहमान बैठे हैं, इस वाक्य में कारक है, तो कौन सा कारक है? अधिकरण कारक, मैं पर, अधिकरण मैं पर पढ़ते ना, अधिकरण मैं और पर, ठीक है। सी नंबर बिल्कुल सही है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भली भांति प्रकट कर सकता है, प्रकट कर सकता है, कर सकता है, कथन किसका है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भली भांति प्रकट कर सकता है, ये कथन किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का है,
कामता प्रसाद, गुरु रामचंद्र शुक्ल या फिर किशोरी लाल वाजपेयी। प्रश्न क्रमांक 20 है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया। बताइए कमला ठाकुर जी, पुष्पा जी, रजनी वाला जी, सभी लोग बताएंगे और एक बार लाइक जरूर करना है, शेयर कर देना अपने मित्रों तक। 20 नंबर के क्वेश्चन में आपको चयन करना है और बिल्कुल सही आंसर बताया कि सर कामता प्रसाद गुरु का विचार है, बी नंबर कामता प्रसाद गुरु है ना। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है। एक अच्छा क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जल्दी से बताएं। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है, जल्दी से बताना है आपको, फटाक से कमेंट में लिख देना है और एक बार लाइक भी कर देना है। बताइए संविधान के अनुच्छेद 351 में, तब आपका उत्तर जो चला जाता है पूर्वी जी, ठीक है पूर्वी जी, आंसर क्या जाता है कि सर हिंदी के विकास के निर्देश दिए गए हैं इसमें 351 है ना। 343 से लेकर के 351 तक के जो अनुच्छेद हैं वो भाषा से संबंधित अनुच्छेद हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डी नंबर बिल्कुल सही है, भाषा के आधार पर राज्यों की पुनः संरचना किस वर्ष की गई थी। बताओ भाषा के आधार पर राज्यों की पुनर्संरचना किस आधार पर की गई थी। एक अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने मित्रों तक। भाषा के आधार पर राज्यों की पुनर्संरचना बताना है, अच्छा क्वेश्चन है, लाइक करते हुए दोस्तों आगे बढ़ना है, शेयर करना है। और आपका उत्तर 22 नंबर का क्वेश्चन है, 22 नंबर के क्वेश्चन में आपको बताना है, तब आपका यहाँ पर राइट है कि भाषा के आधार पर राज्यों की जो पुनर्संरचना की गई थी वो की गई थी 1956 में, यानी कि आपका जो पुनः संरचना की गई थी भाषा के आधार पर 1956 में, ठीक है। तो आपका डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। सौर सैनी अपभ्रंश से कौन सी भाषा विकसित हुई है, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पश्चिमी हिंदी या फिर बताना है लहंदा, जल्दी से बताइए। साहित्य है ये, साहित्य। सौर सैनी अपभ्रंश से कौन सी भाषा विकसित हुई है। सौर सैनी अपभ्रंश की ट्रिक बनाई थी अपन ने, है ना, जो नोट्स में ट्रिक इंक्लूड की गई है, जिसको अपन ने पढ़ा था, कैसा पढ़ा था, पश्चिमी राज गुजरात में शेर है। तो पश्चिमी से पश्चिमी हिंदी, राज से राजस्थानी, गुजरात से गुजराती, ये सभी सौर सैनी अपभ्रंश से दोस्तों इनका विकास हुआ था। तो यहाँ पर पश्चिमी राज गुजरात में शेर है, यानी कि सी नंबर आपका करेक्ट आंसर है। कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुआ था, अच्छा क्वेश्चन है। पुष्टि मार्ग की स्थापना दोस्तों वल्लभाचार्य ने की थी, यानी कि पुष्टि मार्ग के जो प्रवर्तक माने जाते हैं पूनम रानी जी, वो माने जाते हैं वल्लभाचार्य, ठीक है। कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुआ था, ये आपको बताना है। कमलाकांत जी, आकाश साख जी, सभी लोग बताएंगे और एक बार लाइक करके शेयर भी कर दो हमारे सभी साथी। कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुआ था, ये बताना है। माया राम जी, कौन सा प्रश्न आया था, ये वाला आया था, सौर सैनी अपभ्रंश से कौन सी भाषा विकसित हुई है, बहुत बढ़िया। तो 24 नंबर का क्वेश्चन है और आपको पता है कि सर भारतेंदु जी हैं, ये भी पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए थे। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, बी नंबर। दान लीला के रचनाकार कौन है, दान लीला के रचनाकार बालकृष्ण भट्ट हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, भारतेंदु राधाचरण गोस्वामी। दान लीला के रचनाकार कौन है, 25 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, देखते हैं कौन कौन सही बता पाता है। यहां पर दान लीला के रचनाकार कौन है और सभी लोग बताएंगे, सुरेंद्र कौर जी, प्रेम कोरी जी, अनु म्यूजिक से, सानू म्यूजिक कंपनी आ गए, बहुत बढ़िया। बताइए बिट्टू जी, दान लीला के रचनाकार कौन है, ओजस्वी जी, और उत्तर है कि सर भारतेंदु ही हैं, यानी कि सी नंबर। दान की लीला तो भारत में बताई जाती है, दान की लीला, सी नंबर। भागीरथी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, भागीरथी का पर्यायवाची शब्द बताना है, सरिता, गंगा, यमुना या फिर निर्झरणी। भागीरथी का पर्यायवाची शब्द यानी कि 26 नंबर में आपको चयन करना है, 26 का आंसर बताना है, जल्दी से बताइए और एक बार लाइक करिए जल्दी से। भागीरथी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है और
बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपका जा रहा है 23, 24, 25, 26 नंबर में कि सर गंगा गंगा यानी बी नंबर सही बताया। जनता जनार्दन, आचार्य शुक्ल ने सूफी काव्य की प्रथम रचना किसे माना है? आचार्य शुक्ल ने। जिन भी साथियों को हिंदी साहित्य के नोट्स मंगवाना है दोस्तों, ट्रिकी नोट्स आप अपने घर में मंगवा सकते हैं, है ना, निरंतर अपडेट होते रहते हैं निरंतर दोस्तों, बहुत बढ़िया तरीके से ये नोट्स बनाए गए हैं, है ना, ट्रिकी नोट्स हैं, जगह जगह ट्रिक भी आपको इसमें सम्मिलित की गई है, बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही बढ़िया है, मजा भी आएगा। आचार्य शुक्ल ने सूफी काव्य की प्रथम रचना, शुक्ल की बात आई है तो शुक्ल की बात यानी कि मृगावती, मृगावती का रचना काल बताइए, मैंने आपको कई बार बताया है मृग कितने थे बताओ, मृगावती आचार्य शुक्ल ने सूफी काव्य धारा की प्रथम रचना इसको माना मृगावती को। अब मृगावती का रचना काल आपको बताना है। रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना शैली बताओ। रामचरितमानस 2 वर्ष है ना और 7 माह 26 दिन में दोस्तों आपको याद रख लेना, और रामचरितमानस नामक महाकाव्य इसकी आपको बताना है, जल्दी से बताइए। रेखा त्रिपाठी जी, संदीप सिंह जी बहुत बढ़िया, लवली ठाकुर जी, सीलू सिंह जी 1903 मृगावती 1903, आनंद जी मृगावती 1903, रामचरितमानस नामक बताना है महाकाव्य की रचना किसने की थी, दोहा चौपाई शैली में की थी 28 नंबर के क्वेश्चन में, और आपने बता दिया कि सर रामचरितमानस 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन में जिसकी रचना हुई थी, ऐसा बहुत ही बड़ा ग्रंथ है, दोहा चौपाई शैली में लिखा गया, ये नंबर आपका बिल्कुल फिक्स और राइट आंसर हो जाता है। मंद का विलोम शब्द क्या है, मंद का विलोम शब्द 29 नंबर का क्वेश्चन है, मंद का विलोम शब्द बताना है। हरप्रीत जी, संध्या जी, आनंद जी बताइए, कमलाकांत जी ठीक है, आनंद जी बताइए, पलविंदर जी क्या है यहाँ पर राइट आंसर, अनिल तिवारी जी, विश्वास मलिक जी, रेखा जी, सभी लोग बताएंगे, सानू जी, अनुराग जी, रामदयाल जी बताएं, बलजीत जी, मंद का विलोम क्या हो जाएगा, मंद का विलोम आपको चयन करना है और एक बार शेयर भी कर देना है। सुनीता कुमारी जी बताइए यहाँ पर, अशोक प्रजापति जी, राधिका मौर्य जी 29 नंबर के क्वेश्चन में बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है और सीधा आंसर लगाया है आप लोगों ने कि सर मंद का होता है द्रुत यानी बी नंबर, द्रुत आपका सही है। मुख्य का विलोम क्या होगा, मुख्य का विलोम 30 नंबर का क्वेश्चन, मुख्य का विलोम आपके सामने है। स्टडी बॉय जी बताइए, बताएं, जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है पेड क्लास में, विस्तृत पढ़ना है, विस्तृत अध्ययन करना है हिंदी साहित्य का, है ना, तो आप 1500 में एडमिशन ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है, 1500 में एडमिशन ले सकते हैं, 1500 में जिनको भी देना है रेगुलर अध्ययन कर सकते हैं दोस्तों, चाहे आप JNU इंटरेस्ट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप KBS की तैयारी कर रहे हो, TGT PGT की तैयारी कर रहे हो, LT ग्रेड की, या फिर मास्टर कैडर या HP कमीशन उत्तराखंड LT की तैयारी कर रहे हो। मुख्य का विलोम शब्द क्या होगा, 30 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा गया और 30 में आपका उत्तर है कि सब मुख्य का गौड़ होता है, यानी कि आपका जो डी नंबर है, कोई चीज मुख्य होती है, कोई चीज गौड़ होती है। जाति विलास के रचनाकार कौन है, 31 नंबर का क्वेश्चन, जाति विलास बताइए, आरूसी जी, आशीष जी, कुमकुम जी बताइए, अमन जी, सभी लोग बताएंगे और लाइक करके शेयर जरूर करना है, जाति विलास के रचनाकार कौन है, एक अच्छा क्वेश्चन, लाइक कर दीजिए बहुत सारे साथी, सभी लोग लाइक करेंगे एक बार, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। जाति विलास के रचनाकार कौन माने जाते हैं, एक बढ़िया सा क्वेश्चन, और 31 नंबर का क्वेश्चन है, जाति विलास, बोले जाति को विलास देव, विलास देव, देव कवि जिनका वास्तविक नाम देवदत्त था, देवदत्त माना जाता है, इटावा में इनका जन्म हुआ, इटावा से संबंधित है ये, ठीक है, और 34वां छल नामक इन्होंने संचारी भाव माना था देव ने, डी नंबर राइट आंसर। प्रताप शाही की रचना नहीं है, कौन सी नहीं है, काव्य विलास, व्यंग्यार्थ कौमोदी, श्रृंगार मंजरी या फिर नवरस तरंग, प्रताप शाही की रचना नहीं है तो कौन सी नहीं है बताओ, 32 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, प्रताप शाही की कौन सी रचना नहीं है, राजीव मौर्य जी, सीताराम जी, सभी लोग बताएंगे, हंसराज जी, विश्वास जी, नीतू गुप्ता जी, प्रताप शाही की रचना कौन सी नहीं है, 32 नंबर का क्वेश्चन है, 32 में आपको चयन करना है। और आपका सीधा आंसर चला गया कि सर प्रताप शाही की जो रचना नहीं है वो रचना नहीं है नवरस तरंग, यानी डी नंबर ये नहीं है, बाकी श्रृंगार मंजरी है, व्यंग्यार्थ कौमोदी है, काव्य विलास है, ये तीनों है, नवरस तरंग नहीं है, डी नंबर आपका बिल्कुल सही है ना। साहसी व्यक्ति ही सफल होते हैं, वाक्य में बताना है कि साहसी कैसा विशेषण है, साहसी कैसा विशेषण है,
संख्यावाचक है, परिमाणवाचक है, विशेषण, गुणवाचक विशेषण या फिर सार्वनामिक विशेषण है। 33 नंबर का क्वेश्चन है और देखते हैं क्या आंसर लगा पाते हो आप लोग, क्या वास्तव में सही आंसर बताओगे। साहसी व्यक्ति ही सफल होते हैं, बताओ 33 नंबर के क्वेश्चन में कौन सा विशेषण हो जाएगा यहां पर, देखते हैं कौन सी जनता जनार्दन। श्वेता रानी जी डी बता रही हैं, और बताओ कौन कौन बता रहा है, बी बता रही राधिका जी, गलत। और बताओ, बहुत सारे साथियों ने मिलकर के एक स्वर में कहा जनता जनार्दन ने कि सर साहसी एक साहसी गुण होता है और गुण होता है तो गुणवाचक विशेषण है। सी नंबर आपका करेक्ट और राइट आंसर है। सुंदर विशेषण शब्द की उत्तमावस्था क्या होगी, सुंदर विशेषण शब्द की उत्तमावस्था बताना है। 34 नंबर का क्वेश्चन है, बताओ कमलाकांत जी, राहुल राज जी, सिसोदिया, सैलू जी, 34 नंबर में लाइक करते हुए आगे बढ़ना है और उत्तर बताना है। हरप्रीत जी बताइए, अशोक जी, कार्तिक जी, सुंदर विशेषण शब्द की उत्तमावस्था क्या है, 34 का क्वेश्चन, लाइक कर दो सभी लोग। और लगभग सभी लोगों को पता है कि सर सुंदर की उत्तमावस्था पहुंची है तो उत्तमा में सुंदरतम होगा, है ना, ये अपन को याद रखते हैं। अगर उत्तरावस्था पूछते तो उत्तरा में सुंदरतर हो जाती, सुंदरतर, है ना, ये सुंदरतम है, यानी कि सी नंबर उत्तमावस्था सुंदरतम, ठीक है। एक प्रत्यय से बना विशेषण शब्द कौन सा है, 35 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बिल्कुल पंजाब वाले जोश से पढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया, पंजाब वालों को जल्दी एग्जाम आने वाला है, पंजाब वालों का जोश से पढ़िए, जोश से, ठीक है, बिल्कुल। खुशबू कुमारी जी, पुष्पा जी बताइए, है ना, बहुत बढ़िया। विशाखा पांडे जी, नीतू जी, एक प्रत्यय से बना विशेषण कौन सा है, और सीधा सीधा आंसर बता रही जनता जनार्दन, कहां जा रही जनता जनार्दन कि सर ये आप लगा दो, एक प्रत्यय से बना जो विशेषण है वो है आर्थिक, आर्थिक, ये नंबर आर्थिक सही है। ताजमहल का टेंडर किसका नाटक है, ताजमहल का टेंडर, यानी कि 36 नंबर का क्वेश्चन है, डीके जी बताइए, राजीव जी, अच्छा क्वेश्चन है, लाइक जरूर करिए आप लोग, लाइक जरूर करिए किया करें, ठीक है, शेयर भी कर दिया करें। ताजमहल का टेंडर किसका नाटक माना जाता है, एक अच्छा क्वेश्चन। जिन भी साथियों को नोट्स मंगवाना है वो हिंदी साहित्य के नोट्स अपने घर पर मंगवा सकते हैं, ट्रिकी नोट्स, और बढ़िया तरीके से दोस्तों पढ़ते हैं। ताजमहल का टेंडर किसका नाटक है, 36 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। और आपका उत्तर है कि सर ताजमहल का टेंडर हम अजय को देंगे, अजय देवगन को दे दो, थोड़ा सा अजय शुक्ला, ये नंबर आपका करेक्ट है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। अंकिता जी बताइए, राइट आंसर बताना है, बताइए हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है, हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है, सभी लोग बताएं, बताइए बलजीत जी, बिल्कुल हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक 37 नंबर का क्वेश्चन है, और 37 नंबर के क्वेश्चन है कि सर वो हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक जो है वो रणधीर प्रेम मोहिनी है, रणधीर प्रेम मोहिनी है, यानी डी नंबर आपका सही है, रणधीर प्रेम मोहिनी, ठीक है, डी नंबर, वेरी गुड। प्रबंध चिंतामणि की रचयिता कौन है, प्रबंध चिंतामणि 38 नंबर का क्वेश्चन है, दामोदर पंडित हैं, कवि आसगु हैं, रोड़ा कवि हैं या फिर मेरुतुंग हैं, प्रबंध चिंतामणि इसके रचयिता कौन माने जाते हैं, इसके रचनाकार कौन है, सभी लोग बताएं प्रबंध चिंतामणि। और मैंने आपको कई बार बताया है कि हमें प्रबंध करना है, काय का प्रबंध करना है, बताओ प्रबंध करना है हमें, बोले सर हमें मेरू का प्रबंध करना है, मेरू का प्रबंध करना है, सुरेश मीना जी बिल्कुल सही है, प्रबंध चिंतामणि मेरू का, मेरू यानी डी नंबर, मेरू तुंग की ये रचना है, मेरू तुंग की रचना है प्रबंध चिंतामणि, डी नंबर सही है। कुबलाय माला कथा के रचनाकार कौन है, कुबलाय माला कथा, और ये कुबलाय माला कथा तो कई बार पूछा गया, 39 नंबर का क्वेश्चन, प्रदीप शर्मा जी सभी लोग बताएंगे, बहुत बढ़िया। पंजाब वाले हमारे सभी साथी शेयर करिए सभी साथियों को, है ना, और दोस्तों हमारे एचपी टेट वाले, टीजीटी पीजीटी वाले सभी साथी, फर्स्ट ग्रेड वाले साथी, कुबलाय माला कथा के रचनाकार कौन है, 39 नंबर में, बोली सर उद्योतन सूरी लगा दो, बी नंबर आपका सही आंसर है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं मैं कौन सा रस है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, रस बताना है, रस कौन सा है, शांत है, भक्ति है, वात्सल्य है या फिर श्रृंगार है। 40 नंबर के क्वेश्चन में मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं कौन सा रस है, 40 नंबर का क्वेश्चन है, 40 में आपको चयन करना है और आपका जो उत्तर हो जाएगा
उत्तर हो जाएगा बात्सल्य रस। बात्सल्य रस यानी सी नंबर, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, ठीक है सी नंबर सही है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम कहने वाली आचार कौन है, एक अच्छा क्वेश्चन, बढ़िया सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया। वाक्यम रसात्मकम काव्यम कहने वाले जो आचार हैं वो आचार कौन है, मम्मट है, विश्वनाथ है, भरत है, या फिर राजशेखर है, बताओ अमन जी, सभी लोग बताएंगे जल्दी से बताओ, पूनम जी, सीलू जी, कमला ठाकुर जी, वाक्यम रसात्मकम काव्यम कहने वाले जो आचार हैं 41 नंबर के क्वेश्चन में, और बोले सर वो आचार हैं विश्वनाथ, यानी कि आपका उत्तर बी करेक्ट आंसर है, बी नंबर सही है। तू, तुम, आप आदि हिंदी में कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद आपने देखे होंगे, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, तो बताओ ये तू, तुम, आप, ये जो दोस्तों सर्वनाम है ये किसके अंतर्गत आते हैं, उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं, बताइए डी कर अंबेडकर जी, बताइए राकेश जी, बिट्टू जी, बताइए तू, तुम, आप, ये किस के अंतर्गत आते, किस सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं, और सभी लोग बिल्कुल सही आंसर का चयन कर रहे हैं 42 नंबर का क्वेश्चन कि सर ये आते हैं मध्यम पुरुष के अंतर्गत, ठीक है, यानी कि आपका उत्तर ये जो सी नंबर है, ये सी नंबर बिल्कुल सही है, सी नंबर वेरी गुड। अगला देखो, मैं स्वयं आ जाऊंगा, इस वाक्य में स्वयं कैसा सर्वनाम है, मैं स्वयं आ जाऊंगा प्रश्नवाचक है, निजवाचक है, संबंधवाचक है, या फिर पुरुषवाचक है, बताइए एक बार जल्दी से शेयर करना है, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और एक बार लाइक भी कर दीजिए, सभी लोग लाइक करें फटाफट से, मैं स्वयं आ जाऊंगा इस वाक्य में स्वयं कैसा बताना है, स्वयं कैसा सर्वनाम है, स्वयं कैसा सर्वनाम है, तब आपने बिल्कुल सही और सटीक आंसर बताया कि सर ये निजवाचक है, निजवाचक बी नंबर सही है ना। किस ग्रंथ में कल्चुरी राजवंश के किसी सामंत की सात नायिकाओं का नक्शिक वर्णन है, तो बताओ ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, किस ग्रंथ में कल्चुरी राजवंश की किसी सामंत की सात नायिकाओं का वर्णन है, 44 नंबर का क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताओ 44 नंबर में लाइक जरूर कर दो, किस ग्रंथ में कल्चुरी राजवंश के किसी सामंत की सात नायिकाओं का नक्शिक वर्णन है, तो बताओ किसमें है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण में, वर्ण रत्नाकर संदेश राशक, या राउर वेल में, तो आपको पता है राउर वेल की रचना का रोड़ा कवि है, और आपका उत्तर भी क्या हो जाएगा, राउर वेल बिल्कुल सही हो जाएगा। किस ग्रंथ में कल्चुरी राजवंश के किसी सामंत की है, तो राउर वेल में है, यानी डी नंबर आपका सही है, रोड़ा कवि की रचना है, डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है। पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि थे, बहुत अच्छा क्वेश्चन, 45 नंबर का क्वेश्चन है, पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि माने जाते हैं, पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि हैं, बताइए जल्दी से, सातवीं, दसवीं, ग्यारहवीं, या फिर आठवीं, पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि माने जाते हैं, और आपका उत्तर चला गया कि सर जो पुष्प हैं ये 10वीं शताब्दी के हैं, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही है ना। यावत जीवनम में कौन सा समास है, 46 नंबर का क्वेश्चन है, यावत जीवनम में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, अव्यय भाव समास, बहुव्रीही समास, या फिर द्वंद्व समास, अशोक जी बताइए, प्रजापति जी, सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर ले सभी साथी, 1500 में 12 महीने के लिए आप एडमिशन ले सकते हैं, 1500 में 12 महीने, अभी कोर्स का नया बैच स्टार्ट हुआ है दोस्तों, तो यहां पर बताना है 46 नंबर का क्वेश्चन है, और 46 नंबर के क्वेश्चन में आपका यावत जीवनम में जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, यावत जीवनम में वह अव्यय भाव समास हो जाएगा, यानी बी नंबर आपका सही हो जाएगा। एक नीली आग कविता के रचयिता कौन है, 46 नंबर का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया, एक नीली आग कविता के रचनाकार कौन है, एक नीली आग बताना है, जल्दी बताइए, एक नीली आग कविता के रचनाकार कौन है, मुक्तिबोध, भवानी प्रसाद मिश्र,
रामदास मिश्र, अज्ञे एक नीली आग, इसके रचनाकार, और बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही बताया है 47 नंबर के क्वेश्चन में कि सर एक नीली आग, मुक्ति के बाद एक नीली नीली आग जलती है, नीली नीली आग, ये नंबर मुक्ति बोध बिल्कुल सही है। दुख सबको माँजता है पंक्ति के रचनाकार कौन है? दुख सबको माँजता है भवानी प्रसाद मिश्र है। गिरजा कुमार माथुर हैं, बताइए जल्दी से, गिरजा कुमार हैं, अज्ञे हैं, कौन है? दुख सबको माँजता है, इसके रचनाकार कौन है? दुख सबको माँजता है, ये पंक्ति किसकी है? 48 नंबर का क्वेश्चन, और बहुत ही बढ़िया, कई बार पूछा गया दोस्तों, ये पंक्ति कई बार पूछी गई आपसे, और आपका उत्तर है कि सर दुख सबको माँजता है, ये जो पंक्ति है 38 में अज्ञे लगा दो, डी नंबर लगा दो, डी नंबर आपका बिल्कुल सही है, डी नंबर राइट है। सतरंगे पंखों वाली किसकी रचना है? किसकी रचना है? नागार्जुन की, राजेश जोशी की, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की, या फिर लीलाधर जगुड़ी की? सतरंगे पंखों वाली को कौन खा गया बताओ, मैंने याद भी करवाया आपको, ट्रिक से याद करवाया है, सतरंगे पंखों वाली को कौन खा गया? कौन खा गया? बोले सर नांग, नांग खा गया, तो नांग से क्या हो जाएगा? सतरंगे पंखों वाली ये रचना किसकी हो जाएगी? नागार्जुन की हो जाएगी, यानी ये नंबर आपका सही और राइट आंसर है। आत्मजय के रचनाकार कौन है? 50 नंबर का क्वेश्चन है, वीनू सरोज जी बताइए, बताइए नितेंद्र जी, आत्मजय के रचनाकार कौन है? राहुल राज जी, गीतिका जी, 50 नंबर का क्वेश्चन है, और आपका उत्तर हो जाता कि सर कुंवर नारायण लगा दो, आत्मजय के रचनाकार है कुंवर नारायण, यानी बी नंबर आपका सही है, बी नंबर बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही, कुंवर नारायण आत्मजय। जिन भी साथियों को ये नोट्स मंगवाना है दोस्तों, ये नोट्स हैं, ये नोट्स आप दो पार्ट में हैं, आप हिंदी साहित्य के ट्रिकी नोट्स अपने घर पर मंगवा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। ये नंबर दिया है आपका, ये नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, ये नंबर है, ये नंबर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, इस नंबर पे संपर्क करें, ठीक है, और ये जो नंबर है दोस्तों आपके लिए यहाँ पर पूरी जानकारी दी जाएगी कि किस प्रकार से आपको नोट्स मंगवाना है, है ना, ये नोट्स जो हैं आपके घर तक पहुँचेंगे, ठीक है। तो जिन भी साथियों को नोट्स मंगवाना है दोस्तों, पढ़ना है, अध्ययन करना है, ठीक है, वो सभी अध्ययन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और ये नोट्स मंगवा सकते हैं आप सभी, ठीक है। तो सभी साथियों को धन्यवाद। इस सेल्फ 1500 में 12 महीने के लिए आप एडमिशन ले सकते हैं, KBS, LTGrade, DSSB वाले साथी, है ना, सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लो। अशोक जी, रामदयाल जी, आकाश, रविंद्र जी, शांति शुक्ला जी, है ना, राजीव जी, कार्तिक जी, बहुत बढ़िया, विश्वास मलिक जी, लवली ठाकुर, सुरेश जी, है ना, अनुराग जी, विकास जी, शुभम जी, रोली सिंह जी, प्रीति जी, नीतू, हरप्रीत जी, रमा जी, संध्या गुप्ता, हरप्रीत जी, पूनम जी, श्वेता जी, ठीक है, आरती वर्मा जी, तनु, रावंत जी, अनुराग, प्रीति जी, वंदना सिंह जी, सभी साथियों को धन्यवाद। अध्ययन करते रहें, लाइक करते रहें और शेयर करते रहें। हरप्रीत जी वेरी गुड, ठीक है, प्रदीप शर्मा जी, नीतू जी, पूनम जी, शांति वर्मा, ठीक है, माया राम जी, रेखा त्रिपाठी जी, छोटे लाल जी, विकास भाटी जी, संदीप सिंह जी, है ना, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, वैभव जी बहुत बढ़िया, चांदनी मैप्स जी, पूनम इंसान जी, लवकुश प्रसाद जी, प्रियंका वर्मा जी, आरती वर्मा जी, ठीक है, एम एन मिश्रा जी, मनप्रीत जी, बिल्कुल, दीक्षा यादव जी, ममता जी, प्रीति तिवारी जी, SPR जी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद, ऋतु जी, RDX जी, बहुत बढ़िया, विकास, पलविंदर जी, तनु जी, माया राम, प्रदीप जी, नीता सोनकर जी, सभी साथियों को धन्यवाद, ठीक है, अध्ययन करते रहें, लाइक करते रहें।